बेचारा मतलब ऐसे ही मतलब गंगा जी का मजा ना, बस पानी छीट के ही ले लेंगे इधर ही, बोलेंगे गंगा जल रही है। ये देखो सामने की साइड देखो, जूम करके दिखा दिए जरा इसको, देख लो भाई मतलब कितना तगड़ा वाला जाम है, सारा सीएनजी वाला बंदा है, टोटल सीएनजी वाला जो होटल में मजा से खा पी के आया ना, अभी निकाल रहा है भाई इसको। इन लोग ना मतलब रात में 8 या 9 बजे से पहले गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे, इतना जाम। ये देखो हवा हवाई रेस्टोरेंट, क्या ही तगड़ा वाला लग रहा, मस्त वाला। पिछला बार तो ठंडा में आए थे ना, तो उस टाइम नहीं बना पाए थे, बट शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाए थे। बट ये देखो अंदर का भी काफ़ी अच्छा होता, कभी इन फ्यूचर कभी टाइम मिले ना फिर से तो दोबारा अंदर जाके ना वीडियो बनाएंगे, पिछला बार वीडियो। Like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need. जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सी एन जी का मजा है ये भाई, 3 किलोमीटर चल चुके, 3-4 किलोमीटर अभी तक जाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये रात में सी एन जी यही सारे लोग भरा रहे थे भाई, देख लो प्लस जाम देख रहा भाई। ये देखो ये तो बेचारा मतलब ऐसे ही मतलब गंगा जी का मजा ना, बस पानी छीट के ही ले लेंगे इधर ही, बोलेंगे गंगा जल रही है। ये देखो सामने की साइड देखो, जूम का वाला जाम है, सारा सीएनजी वाला बंदा है, टोटल सीएनजी वाला जो होटल में मजा से खा पी के आया ना, अभी निकाल रहा है भाई इसको। इन लोग ना मतलब रात में 8 या 9 बजे से पहले गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे, इतना जाम मतलब इतना भयानक वाला आगे जाम है। अपन लोग तो निकल के आ चुके हैं और घर की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं भाई। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. So guys, अभी देखो यार, मतलब 1:55 हो रहा है, देख रहे हो इतना ज्यादा अपन लोग को ना नींद आ गया था ना, कि हम लोग उधर ही सो गए थे गाड़ी रोक के, और उसके बाद सोए तो डायरेक्ट उठे एकदम 1 बजे के आसपास, फिर मतलब मान के चलो ना 1:15 से फिर 1 मिनट से फिर वहां से अपन लोग निकले हैं, और अभी मतलब कहाँ पहुंचे कुछ ऐसा पता नहीं, मतलब मेरठ के आगे थोड़ा सा पहुंचे, तो यहाँ से मान भी लो ना तो नहीं भी तो 70 किलोमीटर और है, और अपने को कैसे भी 3 बजे तक पहुंचना है, तो देखते हैं पहुंच पाते या फिर नहीं पहुंच पाते। गर्मी इतना ज्यादा है ना कि सेकंड पे एसी चला रहे हैं फिर भी उतना चिल्ड नहीं कर रहा। साथ सामने की साइड देखो ना, इधर साइड में कि होटल वोटल ढाबा ये सब है, प्लस रात में तो कुछ नहीं दिख रहा था उतना अच्छा से, सुबह देखो कैसा माहौल इधर का, सुबह ऐसा कुछ सीन था भाई। और देखो मतलब जैसे तैसे लोग गाड़ियां क्रॉस कर रहे हैं यार बीच से, मतलब कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता है, यही में ना एक्सीडेंट होता है। ये देखो ये भी लाया जा रहा है, फॉर्च्यूनर हो के भी ऐसा कर रहा है, तो अभी मतलब किसी को सब्र हो ही नहीं रहा है भाई। अभी देखो यहाँ का व्यू, रात का टाइम है ना, यहाँ का व्यू नहीं दिखा पाए थे, बट अभी का व्यू देखो, इधर सामने की साइड ना न्यू मेट्रो बन रहा है मेरठ के साइड। यूपी में भी बहुत सारा मेट्रो बन चुका है, पहले तो नहीं था उतना, बट अंदर के साइड ना मेट्रो काफी सारा कुछ बन चुका, प्लस और भी डेवलपमेंट हो रहा है मेट्रो का, देख रहे हो इधर मेरठ के साइड का है।
तो अपने को कौन सा लेन लेना, दिल्ली वाला ये लेन लेना, देख रहे हो, एक हापुड़ और दिल्ली का यहाँ पे इस साइड का दिया, मेरठ का नीचे से यहाँ से डिवाइड हो गया, नीचे वाला जाओगे ना तो मेरठ वाले में चले जाओगे नीचे के साइड, और अपने को ऊपर ऊपर दिल्ली जानी है, तो अपने को यही लेन लेनी थी। बहुत सारे लोग तो नीचे भी चले गए, अपन लोग तो बस इधर से ही जा रहे हैं। भाई मेट्रो वाला देख रहे हो अभी बन रहा है, न्यू कंप्लीट भी नहीं हुआ, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस कहीं कहीं तो देखो ना, मतलब वायर बिछ गया और बहुत सारे जगह लाइन वाला वायर अभी नहीं बिछा है, कुछ कुछ पोल में लग गया, देखो यहाँ तक लग गया, इसके आगे पूरा खाली था ऊपर में। प्लस ये देखो यार टर्निंग क्या ही मस्त वाला, और यार मतलब 2 बज गए अब मतलब सोच लो 3:30 बजे तक अपने को कैसे पहुंचना है, 4 बजे कुछ काम है, तो देखते अभी 60 किलोमीटर मान लो ना, तो 65 या फिर 60 किलोमीटर और होगा, तो देखते कितना टाइम लगता है 60-65 किलोमीटर जाने में अपन लोग को। ये देखो भाई ये किस चीज का कंटेनर है, पक्का कोई फोर व्हीलर या फिर और भी कुछ होगा ना, क्योंकि फोर व्हीलर सब कोई दूसरा कंट्री से शिप होता है ना, तो ऐसे ही कंटेनर में ही आता है, तो शायद मेरे को लग रहा है वही वाला, बट पता नहीं क्या है वो तो नहीं पता, वो तो जो कुछ होगा वही गाड़ी वाला ही जानता होगा। प्लस ये देखो साइड का व्यू क्या मस्त वाला लग रहा है यार, ऊपर का देखो व्यू ऊपर साइड से अच्छा लग रहा है ना, प्लस सामने के साइड कैमरा है। सो गाइस ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और ऊपर के साइड कैमरा था ना, इसी कारण से अपन लोग फोन को थोड़ा सा साइड कर दिए, क्योंकि समझ रहे हो ना, तो इसी कारण से। प्लस टोल प्लाजा ये वाला ना लास्ट है टोल प्लाजा, जो कि मेरठ वाला मतलब मोदी नगर का ये टोल प्लाजा है, तो इसमें अपन लोग लास्ट टोल प्लाजा लेंगे, इसके बाद कोई टोल प्लाजा है नहीं भाई। मतलब जो भी है ना यूपी में 3-4 ले रहे हैं और एक सिर्फ उत्तराखंड में, टोटल मतलब 4 टोल प्लाजा पड़ता है दिल्ली से इधर हरिद्वार जाने में, तो सोचो यार मतलब कैसा, मतलब इतना इतना थोड़ी टोल प्लाजा होना चाहिए यार, यूपी में बहुत ही ज्यादा टोल प्लाजा, बहुत ही ज्यादा, और ये देखो इतना जाम। प्लस जो भी मतलब जाम में उधर फंसे होंगे ना यार, वो तो मतलब एक साइड का खुल चुका होगा, दूसरा साइड वाले ना भाई रो रहे होंगे, वो लोग तो मतलब 10-11 बजे भी अगर गंगा स्नान कर लेंगे ना वो भी बहुत है, क्योंकि मतलब वो जाम टूटने वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ है ना वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा भीड़ है, उसके कारण जाम टूटने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लस अपना देखो ओनली कार ट्रक सब सबका अलग अलग लेना है, बट फिर भी क्या ही बोल सकते हैं यार, अभी इतना भीड़ ही चल रहा है, तो ये देखो 7 लेन है इधर टोटल, और एक लास्ट वाला तो फ्री होता, कोई भी 3-व्हीलर 2-व्हीलर ये सब के लिए फ्री होता है लास्ट वाला। और ये देखो भाई ट्रैफिक में, टोल टैक्स पे ट्रैफिक भी इतना भयानक लग जाता है यार, सोचने वाली बात है। गाड़ी का ना स्पीड दिखाता है, अभी मेरा कितना होगा 55-54 कितना स्पीड दिखाया पता नहीं, अपन लोग तो आगे आ गए, तो ऐसा हर एक एक्सप्रेस पे हाईवे पे होता है, स्पीड शो करता रहता है आपका कितना गाड़ी स्पीड चल रहा है, तो अपना गाड़ी तो मान के चलना अभी 85 एवरेज लेके चल रहे थे, क्योंकि जल्दी पहुंचनी थी ना, तो कवर अप भी कर लिए अपन लोग, काफी कवर अप कर लिए 50 किलोमीटर के आसपास, मतलब 1 घंटा में 70 किलोमीटर कर दिए अपन लोग कवर, तो सही चल रहा है एवरेज स्पीड, उतना ही मान के चलेंगे ना तभी अपन लोग टाइम से पहुंच सकते हैं, अभी 2:20 हो रखा है देख रहे हो ना, तो भाई मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना अभी। और इधर कैमरा हर जगह कैमरा लगा हुआ भाई, ऊपर देख रहे हो ऊपर के साइड भी कैमरा, एक्सप्रेस वे भी मतलब कोई दुर्घटना ये सब होता है ना तो उसका रिकॉर्ड रखता है, प्लस हर कुछ सेफ्टी के लिए कैमरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। प्लस साइड साइड में देख रहे हो सिर्फ गन्ना का खेती इधर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा गन्ना का खेती है, प्लस इस तरफ भी गन्ना का ही खेती मिलेगा, हर जगह गन्ना का ही खेती मिलेगा इधर। वो देख रहा हूँ ये वाला दिख रहा है एरोप्लेन रेस्टोरेंट, ये देखो अब दिख रहा है ये वाला हवा हवाई एरोप्लेन रेस्टोरेंट, अपन लोग पिछला वाला वीडियो में ना हरिद्वार ट्रिप किए थे ना तो उसमें गए थे, बट इस बार walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette.
सो फाइनली गाइज अभी अपन लोग एरोप्लेन रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं जिसका नाम है हवा हवाई। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, दूर से ही दिखाता हूँ क्योंकि करीब जाएंगे ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट फिर भी आपको दिखा देते, करीब जाके ही दिखाते हैं गाइस, क्योंकि जब करीब जाके दिखाएंगे ही नहीं तो फिर दिखाना ही क्यों। तो चलो अभी आपको ना पास में जाके दिखाते हैं हवा हवाई एरोप्लेन रेस्टोरेंट, काफी अच्छा है। इसमें अपन लोग एक बार गए थे, फीस भी काफी चीप है, बहुत ही कम रेट में काफी अच्छा सा इसमें पैकेज मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार आके ना ट्राई कर सकते हो। मेरे को तो बेस्ट लगा था, अच्छा लगा था, प्लस एरोप्लेन वाली फीलिंग्स भी आ जाती है ना, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये देखो ये हवा रेस्टोरेंट है, देख रहे हो इधर जैन रेस्टोरेंट है और ये हवा हवाई वाला उधर है। ये देखो मतलब वहां से ना चढ़ के ऊपर जाते हैं सारे लोग, ये हवा हवाई है ना मस्त वाला, प्लस इधर पार्किंग वार्किंग करते हैं सारे लोग और अंदर जाते हैं। तो अभी ना मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, ये सारा पार्किंग में लगा हुआ है और यहाँ से एंट्री अपन लोग, पिछला वाला वीडियो में ना अपन लोग पिछला बार आए थे ना तो उसका शॉर्ट्स भी अपन लोग अपलोड किए थे। और ये देखो इधर बच्चों का खेलने वाला, बट धूप इतना कड़ा वाला है ना ऊपर, देख रहा बहुत ही हार्ड वाला धूप है, तो इसी कारण से। प्लस ये देखो हवा हवाई रेस्टोरेंट, क्या ही तगड़ा वाला लग रहा, मस्त वाला। पिछला बार तो ठंडा में आए थे ना तो उस टाइम नहीं बना पाए थे, बट शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाए थे। बट ये देखो अंदर का भी काफ़ी अच्छा होता, कभी इन फ्यूचर कभी टाइम मिले ना फिर से तो दोबारा अंदर जाके ना वीडियो बनाएंगे, पिछला बार वीडियो नहीं बना पाए थे। ये देखो जो भी यहाँ का रिसेप्शनिस्ट ये सब होते हैं ना, सारे लोग फ्लाइट वाला ही सारा ड्रेस पहन के करते हैं, काफी अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है मेरे को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So, आप लोगों को कैसा लगा, guys? ये वाली हवा हवाई रेस्टोरेंट देख के, एरोप्लेन वाली रेस्टोरेंट देख के अच्छी वाली फीलिंग्स आई ना? ये तो कुछ भी नहीं है, फीलिंग्स तो काफी अच्छी ही आएगी क्योंकि अंदर जाओगे ना तो अंदर इससे भी मस्त वाला फीलिंग्स आएगा, जितना बाहर देख रहे हो ना इससे कहीं ज्यादा अंदर एक्साइटेड चीज आपको देखने को मिलेगी। लाइक उसका चेयर सिटिंग होता ना काफी अलग होता है, जैसे एरोप्लेन में होता ना सेम उसी तरीके का, प्लस खाने पीने का तो भाई नेक्स्ट लेवल वाली प्रबंध होती है। मतलब प्राइस इसका जितना कम है ना उससे कई गुना अच्छा खाना प्लस फैसिलिटी ये दे रहा है, तो एक बार जाके ट्राई करके देखना। हमने तो गया था एक बार, बट एक बार और ट्राई करेंगे आप लोग के लिए स्पेशल। तो अभी तो फिलहाल धूप काफी है, ठंड में ना इसका मजा काफी मस्त वाला आता है, तो ठंड में जाओ तो काफी बेटर होगा। गर्मी में भी आता है बट गर्मी में कभी ट्राई नहीं किया, ठंड में ही किए थे ट्राई। तो अभी फिलहाल यहाँ से इधर का लोकेशन देख रहे हो, क्या ही भयानक वाला लग रहा है क्योंकि अपन लोग दिल्ली एंट्री ले चुके हैं। लाइक यहाँ से 27 किलोमीटर दिल्ली तो पीछे से ही आ चुके थे, तो अभी गाजियाबाद 4-5 किलोमीटर बाद आएगा, उसके बाद 20-22 किलोमीटर बाद गाजियाबाद से 20-22 किलोमीटर बाद दिल्ली, मतलब अक्षरधाम। ये देखो लैंडक्राफ्ट ऊपर की साइड लिखा हुआ, प्लस सामने की साइड राइज, भाई बहुत ही भयानक सा बिल्डिंग है, तो समझ ही। बस पहुंच गए, कुछ ही मिनट का इंतजार है फिर तो भाई, मतलब जितना सब्र किया है ना भाई, इतना उधर ऋषिकेश की तरफ इतना भयानक वाला जाम था ना गाइस, इतना भयानक कि अगर जाना चाहते ना अपन लोग तो मतलब समझ जाओ यार बहुत ही भयानक हो जाता, मतलब कल परसों तक पहुंचते, इतना जाम इतना भयानक वाला जाम था। और फिर आप लोग तो पीछे देखे ही थे ना अभी हरिद्वार वाले का ही कितना भयानक, मतलब रात में 10 बजे तक भी उन लोगों को पॉसिबिलिटी हो या फिर ना हो उसका भी कोई अता पता नहीं है, तो इसी कारण से नहीं गए। प्लस आपको तो पता ही है, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे वो जाने वाले हैं, लेकिन क्या ही सीन है भाई, बता ही नहीं सकते भाई, बहुत ही ज्यादा जाम था। तो चलो अभी इधर का मजा लेके चलते हैं। फाइनली गाइस अभी अपन लोग पहुंच चुके, कार अपना पार्किंग में लग चुका है, और आप लोगों को ना मैं एक अपना एक सीक्रेट दिखाता हूँ, जो भी आम का पेड़ का वीडियो देखे थे ना वहां पे, वहां से अपन लोग एक ट्रे आम खरीदे, उसपे 25 केजी का होता है लेकिन उसमें 28 केजी एक कैरेट, अच्छा एक ट्रे पूरा ले लिए, उसमें गाइज मतलब टोटल 25 किलो होता है लेकिन 28 किलो आम है, तो वो भी पकने वाला, 2 दिन में पक जाएगा पूरा, पेड़ का टूटा हुआ आम था एकदम, और उसपे आज कारपेट दिया ही था, तो वही अपन लोग पूरा ले लिए। तो अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ वो कितना कैसा कैरेट है, कितना बड़ा कैरेट है। सो फिलहाल अभी तो अपन लोग आ चुके हैं,
ये देखो ये भी अपना फोर व्हीलर पार्किंग लग चुका, सारा पार्किंग लग चुका। और मैं भी आपको आम दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये देखो पूरा एक ट्रे अपन लोग ले चुके हैं, इसके अंदर सारा आम है। लाइक इस पर अभी कारपेट दिया हुआ है ना, ये मैं आपको ना दिखाऊंगा जब पकेगा ना पूरा, तो ये देखो कैसा एकदम ताज़ा आम का पेड़ का तोड़ा हुआ है भाई, मतलब देख रहे हो सारा एकदम येल्लो येल्लो हो रखा है, दो दिन में पक जाएगा पूरा। तो इसको पकेगा ना उस टाइम का एक स्पेशल वीडियो लाएंगे मस्त वाला, तो उसमें देखना सारा लोग, बहुत सारा आम है और इसको लेके जाना ना बहुत ही ज़्यादा, प्लस इधर ना अचार वाला आम भी लिए अपन लोग इसमें, देखो बहुत ही सारा। तो अभी तो इसको लेके जाने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, 28 किलो आम है। सो फाइनली गाइस अभी अपन लोग आम को लेके चलते हैं घर, तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइज, बाय बाय।